नमस्कार, बोल क्लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष मुक्त भारत चाहती है? पहले लोकसभा में एक नहीं दो नहीं कांग्रेस के चार सांसदों को निलंबित किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे होते हैं बैनर्स के साथ। ये बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पसंद नहीं आती और कल राज्यसभा से 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और वो भी जन सरोकार के मुद्दे उठा रहे थे। महंगाई और बेरोजगारी, सत्ता पक्ष का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं उनकी तबीयत खराब है, उन्हें आ जाने दीजिए, हम फिर उसकी चर्चा करेंगे। मगर विपक्ष एक और मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन तो पहुंचे, लोकसभा तो पहुंचे। क्या यह बात किसी को अटपटी नहीं लगती कि देश के प्रधानमंत्री जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र जारी है वहां से नदारद हैं? ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल क्लब आजाद है तेरे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आंखों के सामने आलोचना नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो लोकसभा और राज्यसभा में नहीं आ रहे हैं? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि राज्यसभा में किन किन सांसदों को जो है वो निलंबित किया गया है इस पूरे सत्र के लिए, और इसलिए आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या बीजेपी विपक्ष मुक्त भारत चाहती है? निलंबित किए गए सांसदों में हैं सुष्मिता देव, डॉक्टर शांतनु सेन, डोला सेन, मौसम नूर, शांता छेत्री, नदीम उल हक, अभिरंजन विश्वास, सभी तृणमूल कांग्रेस से, हमीद अब्दुल्ला, आर गिरिरंजन, एन आर एलांगो, एम षणमुगम, एस कल्याण सुंदरम और कनीमोड़ी, ये सभी डीएमके के हैं, बीएल यादव, दामोदर राव, देवाकोंडा और रविहंद्रा, विद्यराजू सभी टीआरएस के, ए रहीम, वीवी शिवदासन और संतोष कुमार शामिल हैं। ये तमाम लोगों को जो है वो निलंबित कर दिया गया है। और दूसरी तरफ ईडी के जरिए विपक्ष पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। आज एक बार फिर सोनिया गांधी ईडी के सामने, यानी कि तीसरी बार सोनिया गांधी को ईडी के सामने बुलाया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, कल कांग्रेस ने गिरफ्तारी दी थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी को जब वो प्रदर्शन कर रहे थे महंगाई के मुद्दे पर, और सोनिया गांधी को जिस तरह से ईडी ने बुलाया उस मुद्दे पर, तो उन्हें पुलिस ने उठाया, किंग्सवे कैंप ले गए और वहां पर उन्हें नजरबंद कर दिया। बड़ा प्रश्न कि क्या मोदी सरकार विपक्ष मुक्त भारत चाहती है? मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और उनके समर्थक कह रहे हैं कि ऐसा तो इतिहास में कभी नहीं हुआ जब विपक्ष ने इस तरह की अनुशासनहीनता दिखाई हो, जब संसद इतना बाधित हुआ हो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, संसद के अंदर ऐसा गतिरोध कभी पैदा नहीं हुआ है। तो चलिए साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं दो लोकसभा सत्रों की ओर, यही कहा जाए दो संसद सत्रों की ओर। और ये कौन से सत्र हैं? 2004 से 2009 के बीच वाला और 2009 से 2013 के बीच वाला। चलिए साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं 15वीं लोकसभा की तरफ। जी हां, 2009 से 2013 के बीच की लोकसभा के बीच में ये खबर देखिए, 15th लोकसभा मोस्ट डिसरप्टेड सेशन इन हिस्ट्री। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो 15वीं लोकसभा थी यानी 2009 से 2014 के बीच, ये इतिहास में सबसे ज्यादा बाधित लोकसभा मानी जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा गतिरोध पैदा किए गए। और इसमें क्या कहा गया था, इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़ के सुनाना चाहूंगा मैं आपको। द 15th लोकसभा विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज द मोस्ट डिसरप्टेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया सो फार, इंक्लूडिंग द पेपर स्प्रे इंसिडेंट व्हिच मार्क्ड अ न्यू लो इन पार्लियामेंट्री कॉन्डक्ट। पार्लियामेंट के अंदर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया था। मीडिया रिपोर्ट साफ तौर पर कह रही थी कि आजाद भारत के इतिहास में जितनी भी लोकसभाएं हुई हैं, 15वीं लोकसभा सबसे ज्यादा बाधित रही। आगे, disruptions were the order of the day, so much so that the Lok Sabha witnessed almost a full session being washed away on the issue of JPC in the 2G spectrum craze. यानी कि विपक्ष
टूजी मामले में जेपीसी की मांग कर रहा था और उसको लेकर पूरा सत्र गायब हो गया। दोस्तों ये तस्वीरें देखिए, मीरा कुमार, सोनिया गांधी और स्वर्गीय सुषमा स्वराज, इस तरह से विपक्ष वहां पर मुद्दे उठाया करता था। और साफ तौर पर यहां कहा जा रहा है कि 15वीं लोकसभा, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2G स्पेक्ट्रम केस में जेपीसी की मांग कौन कर रहा था? बीजेपी। बीजेपी के सदस्य जो हैं वो बाधित कर रहे थे लगातार। और बात यहां नहीं रुकी, 15वीं लोकसभा में बैनर्स का भी इस्तेमाल हुआ था। जी हां, जब तेलंगाना बिल के खिलाफ सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, जब वेल ऑफ द हाउस में वो आ जाया करते थे, तब बैनर्स का भी इस्तेमाल हुआ था। सीधा सवाल, क्या ऐसे में यह कहना सही होगा, खासकर जब भाजपा के सांसद कहते हैं कि हमने तो इतिहास में ऐसा कभी गतिरोध नहीं देखा। चलिए ये तो रहा 15वीं लोकसभा। अब मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा 14वीं लोकसभा की तरफ, यानी कि 2004 से 2009 के बीच। 14वीं लोकसभा के बारे में भी यह कहा जा रहा था कि संसद के इतिहास में संसद का काम सबसे कम चला। मिंट की खबर क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। द 14th लोकसभा मार्क्ड बाय फ्यूएस्ट सिटिंग्स इन पार्लियामेंट हिस्ट्री, डॉग्ड बाय कॉन्ट्रोवर्सी एंड येट क्रेडिटेड विद सम पाथ ब्रेकिंग लेजिस्लेशन, एंडेड इट्स फाइनल सेशन ऑन थर्सडे, सेटिंग द स्टेज फॉर द नेक्स्ट जनरल लोकसभा इलेक्शन। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस सेशन के अंतर्गत जो है सबसे कम कार्रवाई हुई, बावजूद उसके कई अहम बिल भी पारित हुए। खुद उस वक्त के लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द करंट लोकसभा हैड ओनली 332 सिटिंग्स एंड इट वेस्टेड 24% ऑफ इट्स टोटल टाइम, स्पीकर सोमनाथ चटर्जी सेड इन हिज स्पीच ऑन थर्सडे। अकॉर्डिंग टू हिम द हाउस स्पेंट अ टोटल 1738 आवर्स एंड 45 मिनट्स ऑन एक्चुअल सिटिंग्स एंड वेस्टेड 423 आवर्स, द टाइम वेस्टेड इन डिसरप्शंस एंड एडजर्नमेंट्स ड्यू टू डिसऑर्डरली सीन्स अमाउंटेड टू अ टोटल ऑफ 24% ऑफ द टाइम ऑफ द हाउस, व्हिच इज वेरी अलार्मिंग। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि संसद की कार्रवाई बाधित हुई थी, वक्त बर्बाद हुआ था, करोड़ों का नुकसान हुआ था। और दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मैं 1998-99 से लोकसभा की कार्रवाई देख रहा हूं। लोकसभा के अंदर सांसदों का प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, मगर इस तरह से बड़ी तादाद में बगैर सांसदों की आवाज सुने बिलों का पारित हो जाना यह शर्मनाक है। यह ना भूलें कि किस तरह से 3 कृषि कानून का बिल पारित हुआ था। पारित हुआ तो हुआ, मगर जब सरकार ने उसे वापस लिया तब बगैर चर्चा के उसे पारित कर दिया गया। ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं जहां बिलों को पारित कर दिया जाता है मगर उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, विपक्ष की आवाज को सुना नहीं जा रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर आने के बजाय एक रैली को संबोधित करते हैं। जी हां, 2 दिन पहले की बात है, रैली को संबोधित करते हैं। उस रैली में क्या कहते हैं कि दल का विरोध और व्यक्ति का विरोध कहीं देश का विरोध ना हो जाए। सुनिए वो क्या कह रहे थे। हाल के समय में विचारधारा या राजनीतिक स्वार्थों को समाज और देश के हित से भी ऊपर रखने का चलन शुरू हो गया है। कई बार तो सरकार के कामों में विपक्ष के कुछ इसलिए अड़ंगे लगाते हैं क्योंकि जब वो सत्ता में थे तो अपने लिए फैसले वो लागू नहीं कर पाए। अब अगर उनका क्रियान्वयन होता है तो उसका विरोध करते हैं। देश के लोग इस सोच को पसंद नहीं करते हैं। ये हर एक राजनीतिक पार्टी का दायित्व है कि दल का विरोध, व्यक्ति का विरोध देश के विरोध में न बदलें। विचारधाराओं का अपना स्थान है और होना भी चाहिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो हो सकती हैं, लेकिन देश सबसे पहले है, समाज सबसे पहले है, राष्ट्र प्रथम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर आपत्ति भी जतलाई कि किस तरह से विपक्ष जो है संसद की कार्रवाई को बाधित कर रहा है।
मैं सीधे आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, मैं जानता हूं कि आपको रैलियों से कितना प्यार है कि आपने एक ऑनलाइन रैली को संबोधित कर दिया। मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं कि क्या आप यही बात संसद के अंदर नहीं कह सकते? बताइए, आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप अग्निवीर योजना पर, चीन जो लगातार अपना प्रभुत्व अपना दबाव बढ़ा रहा है, महंगाई बेरोजगारी इन तमाम मुद्दों पर आप देश की जनता के सामने आए, आप नदारद हैं और फिर आप यह कहते हैं कि दल का विरोध व्यक्ति का विरोध कहीं देश विरोध ना हो जाए। यानी कि अगर आपका कोई विरोध करे, यानी भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध करे, तो वो देश विरोध हो जाएगा। इससे पहले भी विपक्ष आलोचना करता रहा है प्रधानमंत्री, मगर इस बार जो आपने किया है वो कमाल है दोस्तों। एक और मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा। मेरी दोस्त है स्वाति चतुर्वेदी, उन्होंने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है एनडीटीवी के लिए। आप जानते हैं महाराष्ट्र सरकार को एक महीना होने जा रहा है, मगर आप जानते हैं महाराष्ट्र सरकार में अभी तक सिर्फ दो मंत्री बनाए गए हैं, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे वहां पर बैठे हुए हैं, एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है। क्योंकि देखिए ईडी के सहारे, ईडी के डराने और धमकाने से इन्होंने सरकार तो बना ली, क्योंकि जो 40 बागी विधायक थे उनमें से कई लोगों का डर था ईडी की कार्रवाई का, और उसी डर से उनमें से कई लोग एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। मगर अब आ तो गए हैं और लालच मंत्री पद का भी था, अब उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही कि अब किसे क्या मंत्री पद दें। अब आपने पूरा तामझाम खड़ा कर दिया, मगर उस तामझाम को आगे कैसे बढ़ाया जाए? ईडी के सहारे आपने एक सरकार को गिराया, एक सरकार भी बना ली, मगर अब आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, और वही ईडी का दबाव आप विपक्ष में कई जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कई जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि जब आप पश्चिम बंगाल के अंदर पार्थो चैटर्जी पर रेड मारते हैं और उनकी खासम खास अर्पिता मुखर्जी पर रेड मारते हैं, जहां से 21 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो वो अपने आप में एक वाजिब कदम है ईडी का। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईडी ने पिछली बार कब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर पर रेड मारी? बताइए, कई ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आई हैं जहां उन्हें रेड मारना चाहिए था मगर वो नदारद रहे। ईडी की सारी कार्रवाई विपक्ष पर रही है। इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष मुक्त भारत चाहती है? विपक्ष के बगैर लोकतंत्र का क्या फायदा? क्या आलोचना आपके लिए इतनी मुश्किल होती जा रही है? बताइए, आलोचना सहने की हिम्मत रखिए, तभी लोकतंत्र चलेगा। क्योंकि देखिए, देश की जनता के सामने आप अपना कथित 56 इंच का सीना पेश कर सकते हैं और मीडिया आपकी उसमें मदद भी करेगी, मगर हकीकत यह है दोस्तों कि असली मुद्दों का सामना कीजिए, बहुत जरूरी है सरकार के लिए। और सबसे दिलचस्प बात यह दोस्तों कि मीडिया ये मुद्दे उठाने के बजाय कि भाई प्रधानमंत्री कहां है, इन मुद्दों पर संसद में क्यों नहीं बहस हो रही है, उसका ठीकरा भी विपक्ष पर फोड़ रहा है। मसलन कल जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है उसे भी परिवारवाद के साथ जोड़ना, स्कैम्स के साथ जोड़ना, उन तमाम चीजों की चर्चा जैसे कि आप इंडिया टुडे और आज तक के इन डिबेट्स में देख सकते हैं, इनमें से किसी में हिम्मत नहीं है यह पूछने की सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर हैं कहां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वर्चुअल ऑनलाइन रैली को संबोधित करते हैं, मगर देश की जनता और संसद में सामने आने की उनमें हिम्मत नहीं है। आए और विपक्ष के सवालों का सामना करें, इन पालतू मीडिया पर सवार होकर आगे उड़ने का कोई फायदा नहीं है। देश की जनता के कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों से जुड़े कई सवाल हैं, उनके जवाब दीजिए, तभी लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। अब इजहार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।